नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम Facebook के बारे में जानने वाले हैं। आज का ये वीडियो Facebook से जुड़ा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे करके हम अपना खुद का Facebook पेज बना सकते हैं। Facebook पेज से बनाने से लेकर वीडियो अपलोड करने तक आज हम पूरा सीखने वाले हैं। फेसबुक पेज बनाकर आप जो है ऑनलाइन कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। फेसबुक पेज बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट जो है लॉगिन कर लेना है। मैंने पहले से ही उसे लॉगिन करके रखा हुआ है। फेसबुक लॉगिन होने के बाद आपको इस राइट साइड में आ जाना है। राइट साइड में आपको यहाँ पे 9 डॉट मिलेंगे, आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको इन 9 डॉट पे जाना है। 9 डॉट पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा पेज का। इस पेज वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। पेज ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे आपके पेज से जुड़ी हुई जो है डिटेल्स मांगी जाएंगी। सबसे पहली जो डिटेल हमसे मांगी जा रही है वो पेज नेम मांगी जा रही है, कि आपका जो पेज है उसका आप नाम क्या रखना चाहते हैं। तो मैं जो है मेरे जो वीडियो होते हैं वो ज़्यादातर जो है कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े हुए होते हैं, तो मैं अपने ही चैनल का नाम डाल लेता हूं। आप जो जिस तरह के भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं उसी से जुड़ा हुआ ही टाइटल डालें। मान लीजिए मैंने यहाँ पर टाइटल का नाम दे दिया हिंदी देव ट्यूटर। अब यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछ रहा है। कैटेगरी में आप अपने जो आपका पेज है वो किस कैटेगरी का होने वाला है वो यहाँ पे आप कैटेगरी डाल सकते हैं। मेरे पेज की जो कैटेगरी होगी वो एजुकेशन होगी, तो मैं यहाँ पे एजुकेशन डाल देता हूँ। और यहाँ पे जो है आपको कई सारे जो हैं आपके कैटेगरी से जुड़े हुए जो हैं ऑप्शन मिल जाएंगे। आप उनमें से अपने अकॉर्डिंग किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन कंसल्टेंट ले लेता हूँ, तो ये मेरा जो है पेज की जो है कैटेगरी हो गई। आप यहां पे चाहें तो यहां पे अपने बारे में कुछ बायो लिख सकते हैं। यहां पे आपको जो है बायो का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां पे आप अपने हिसाब से जो है अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है इसे आप लिखें, तो मैं इसे जो है ब्लैंक छोड़ रहा हूं। उसके बाद जो है यहां पे हमें क्रिएट पेज का जो है बटन मिल जाएगा। इस क्रिएट पेज वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पेज वाले बटन पर क्लिक करने के बाद जो है पहला जो सेक्शन का काम था वो पूरा हो चुका है। दूसरे सेक्शन में जो है आपसे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएगी। पहला जो कॉलम है उसमें हमें वेबसाइट मांगी जा रही है। यदि आपके पास आपकी खुद की कोई वेबसाइट हो वो यहाँ पर डाल सकते हैं, वरना उसे आप इसे जो है ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो मैं भी इसे जो है ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। आप अपना जो है यहाँ पर अगले कॉलम में आपसे फ़ोन नंबर मांगा जा रहा है, तो मैं इसे भी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। फ़ोन नंबर के बाद हमसे ईमेल एड्रेस मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर आप अपनी मेल आईडी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अपनी ही मेल आईडी डाल लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपनी मेल आईडी डाल दी है। उसके बाद हमसे जो है हमारी लोकेशन पूछी जा रही है। यहाँ पे लोकेशन वाले कॉलम में एड्रेस, टाउन, सिटी, पोस्ट कोड, तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं। टाउन सिटी वाले में आप अपनी सिटी डाल देंगे, किस सिटी में आप रह रहे हैं, और पोस्ट कोड वाले में आप अपना पिन कोड डाल देंगे। तो मैं इसे जो है फटाफट से भर लेता हूँ। एड्रेस डालने के बाद आपसे यहाँ पे जो है आपके वर्किंग आवर की जो है टाइमिंग पूछी जा रही है। यहाँ पे आप अपना क्या टाइमिंग देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है टाइमिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने हिसाब से जो है अपना जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी डिटेल भरने के बाद हमें जो है नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा नेक्स्ट का। इन नेक्स्ट वाले पेज पर हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद जो है हमारा सेक्शन 3 आ जाता है। सेक्शन 3 में आपसे जो है आपका जो है प्रोफाइल पिक्चर और आपका कवर फ़ोटो जो है अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। आप अपने पेज पर जो है जो प्रोफाइल पिक्चर लगाना चाहते हैं वो आप यहां से लगा सकते हैं। आपको यहां पे प्लस बटन पर क्लिक करना है। प्लस बटन पर क्लिक करते ही आपका जो माई कंप्यूटर है वो ओपन हो जाता है। वहाँ से जो आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं वो वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना लोगो लगा लेता हूँ। लोगो अपलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे
दूसरा जो ऑप्शन है वो ऐड कवर फ़ोटो का है, जो कवर फ़ोटो आप लगाएंगे वो हमारे इस लोगो के पीछे जो है नज़र आने वाला है, तो आप अपने हिसाब से जो है कवर पेज ले सकते हैं। मैं फ़िलहाल अभी कुछ भी ऐसे ही जो है अपलोड कर देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। कोई भी जो आप कवर फ़ोटो लगाना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, तो हमारा कवर फ़ोटो जो है वो भी अपलोड हो चुका है, वो कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला। प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो अपलोड हो जाने के बाद हमें ऐड एक्शन बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो है आप जो है अपने अकॉर्डिंग एक्शन बटन लगा सकते हैं। एक्शन बटन लगाने के लिए हमें ट्राई इट वाले बटन पे क्लिक करना है। ट्राई इट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो है कौन कौन से जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ आप अपने हिसाब से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सेंड मैसेज है, आप चाहें तो व्हाट्सएप का अपना नंबर लगा के व्हाट्सएप मैसेज भी ले सकते हैं। कॉल नाउ का भी आप अपना यहाँ पे जो है एक्शन बटन लगा सकते हैं, मैं इसे जो है सेंड मैसेज ही रखता हूँ। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमें थोड़ा सा नीचे आ जाना है और यहाँ से हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके अपना एक्शन जो है ऐड कर लेते हैं। यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो है अब हमें वापस से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद अब हमसे जो है हमारा व्हाट्सएप लिंक करने के लिए कहा जा रहा है। यदि आप चाहें तो यहाँ से आप अपना व्हाट्सएप लिंक कर सकते हैं, ताकि जो भी आपके पेज पर आपकी वीडियो को देखता है यदि उसे आपसे संपर्क करना हो तो वो आपके व्हाट्सएप के थ्रू आपसे संपर्क कर सकता है। मैं जो है इसे ऐड नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं इसे यहाँ से स्किप कर दूँगा। फिर हमें जो है यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा। आप इस इनवाइट फ्रेंड पे चाहें तो आपके जो फेसबुक के जो फ्रेंड होंगे उन्हें आप यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं, तो उन सभी के पास आपका जो इनवाइट फ्रेंड का मैसेज जो है लिंक आप वहाँ पे पहुँच जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके वो आपके पेज को फॉलो कर सकेंगे। इनवाइट फ्रेंड करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है हमारी डिटेल जो है पूरी भर चुकी हैं, अब हमें यहाँ से इसे डन कर देना है। डन कर देने के बाद जो है हमारा पेज बनाने का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा हो जाएगा और आपका जो पेज किस तरह से दिखेगा उसकी प्रोफाइल पूरी जो है आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरह से जो हमारा पेज पूरा बनकर तैयार है और आप देख सकते हैं, आप जब इसे पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरह से टेक टूर का जो है मेन्यू आएगा। हम फिलहाल इसे नहीं लेना चाहते, हम इसे नॉट नाउ कर देते हैं। तो इस तरह से जो हमारा पूरा फेसबुक पेज है वो दिखने वाला है कुछ इस तरह का। तो इस तरह से आप अपना फेसबुक जो है इस तरह से आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हैं। तो ये तो हो गई बात कि फेसबुक पेज किस तरह से बनाते हैं, अब हम ये सीख लेते हैं कि हमें इस पर वीडियो अपलोड कैसे करना है, ताकि हमारे जो हैं वीडियो हैं उन पे जो है रीच आए और हमें कुछ इनकम जो है। हाँ, अब हम सीख लेते हैं कि कैसे करके हम इसमें वीडियो अपलोड कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है व्हाट्स ऑन योर माइंड का। इसके नीचे आपको कई ऑप्शन मिल जाएंगे, आप चाहें तो यहाँ से इसे फेसबुक पेज पर अपने लाइव वीडियो भी कर सकते हैं, फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, आप चाहें तो उस पर रील भी बना सकते हैं। हम जो है वीडियो अपलोड करना सीखने वाले हैं, तो हमें वीडियो अपलोड करने के लिए हमें फ़ोटो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जो भी वीडियो अपलोड करना चाहते हैं वो पब्लिक रखनी है या नहीं, तो मैं इसे पब्लिक ही रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे डन कर दूँगा। डन करने के बाद जो है वीडियो अपलोड करने का जो है आपका जो ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने आ जाएगा। अब हमें यहाँ से जो है ऐड फ़ोटो वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वीडियो को अब पहले हमें अपलोड करना है। इस वाले बटन पर क्लिक करते ही आपका जो माय कंप्यूटर है वो ओपन हो जाएगा और आप जिस भी वीडियो को अपलोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। मैंने जो है यहाँ पे वीडियो को सिलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ऊपर जो है बफरिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी 0% है। आप देखिए ये अपलोड होना स्टार्ट हो गया है। मैंने छोटा वीडियो अपलोड किया है ताकि जो है फटाफट हो जाए और मैं आपको दिखा सकूं। वीडियो जो है हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। अब हमें इसकी डिटेल्स को भरना है, तो अभी हम पीसी पर हैं। यहाँ पे आपको जो है ऑप्शन मिल जाएगा वीडियोस ऑप्शंस का, इस पर आपको क्लिक करना है।
वीडियोस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमसे वीडियो की जो है डिटेल्स मांगी जाएंगी, जैसा कि यूट्यूब में होता है। सबसे पहले हमें अपने जो हमारा वीडियो है उसका टाइटल दे देना है, तो मैं टाइटल डाल देता हूँ। नीचे जो है अभी जो है हमारे पूरे ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं, सारे ऑप्शन शो हों उसके लिए आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल बटन के साथ माइनस बटन को प्रेस करना है, तो हमारा जो पेज का साइज है वो छोटा होने लगेगा। और आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा कि हमारे पेज के जो वीडियो के जो ऑप्शंस है वो सारे जो हैं शो हो रहे हैं। ध्यान रखना है आप जब पीसी से वीडियो अपलोड करें तो आप कंट्रोल बटन के साथ माइनस बटन का ज़रूर दबाएं, ताकि जो आपको सारे ऑप्शंस हैं वो शो हो जाएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम वीडियो अपलोड करते हैं और वहाँ पर सारे ऑप्शन शो नहीं होते हैं, हम वीडियो को ऐसे ही अपलोड कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे वीडियो पे व्यूज़ नहीं आते हैं। तो आप पहले स्क्रीन को जो है कंट्रोल माइनस से छोटा कर लें और आपको सारे ऑप्शन से दिखने लगेंगे। अब हम यहाँ पे जो है टैग लगा लेते हैं, आप अपने वीडियो के हिसाब से जो है टैग लगा सकते हैं। मान कंप्यूटर एजुकेशन की वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं हैशटैग लगा के कंप्यूटर एजुकेशन टैग लगा लेता हूँ। मैंने कंप्यूटर एजुकेशन से टैग लगा लिया है। अब हम इसमें भी जो है यूट्यूब की तरह अपना जो है थंबनेल लगा सकते हैं। थंबनेल लगाने के लिए हमें चेंज थंबनेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे हमें अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। अपलोड इमेज पर क्लिक करने के बाद अभी जो है हमारे ऑप्शन जो हैं पूरे नहीं दिख रहे हैं, हमें स्क्रीन को थोड़ा और छोटा करना होगा। स्क्रीन को और छोटा करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें अपलोड इमेज का ऑप्शन जो है शो होने लगा है। अपलोड इमेज पर क्लिक करके आप अपना थंबनेल अपलोड करेंगे। मैंने जो है यहाँ पर अपना थंबनेल भी सिलेक्ट कर लिया है। थंबनेल सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेव का, इस सेव बटन पे क्लिक करें। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी जो वीडियो की डिटेल्स है वो सेव होना स्टार्ट हो जाएगी और कुछ इस तरह से जो है हमारा वीडियो पूरा अपलोड हो चुका है और सारे ऑप्शंस भी लग चुके हैं। अब हम स्क्रीन को वापस से नॉर्मल कर लेते हैं। स्क्रीन को फिर से जूम करने के लिए कंट्रोल बटन के साथ प्लस बटन को दबाना है। तो इस तरह से हमारी स्क्रीन नॉर्मल हो जाएगी और अब हम देख सकते हैं हमारा जो पूरा वीडियो है अपलोड हो चुका है और उस पर थंबनेल भी लग चुका है। पूरी डिटेल भरने के बाद और थंबनेल लगने के बाद हमें यहाँ पे इस पोस्ट बटन पे क्लिक करना है। पोस्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका जो वीडियो है वो जो है पोस्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में आपके जो भी फॉलोवर्स होंगे, कुछ देर वेट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपका वीडियो अपलोड हो गया है और आप जो हैं यहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप आज के इस वीडियो में हमने अपना फेसबुक पेज कैसे बनाते हैं इस बारे में सीखा और फेसबुक पेज पर वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हैं, किन किन डिटेल्स को भरना है, इन सभी चीज़ों को हमने बारीकी से सीखा। आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।